नमस्कार साथियों, जैसा कि पूरे भारत में लोकसभा चुनाव 2024 की अधिसूचना जारी हो चुकी है और इसके निर्वाचन की प्रक्रिया गतिमान है, या तो आपके ज़िले में ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी होगी या शुरू होने वाली होगी। इसी के क्रम में सभी अध्यापकों कर्मचारियों को निर्वाचन से संबंधित ड्यूटी हेतु प्रशिक्षण प्रदान किए जा रहे हैं। यह प्रशिक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है और यह कार्य भी इतना ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस प्रशिक्षण को अपने अपने जिलों में अपने अपने विभाग से प्राप्त कर रहे होंगे, उसके बावजूद मैं आपके लिए इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण बातें लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। तो सबसे पहले आइए बात कर लेते हैं नियुक्ति पत्र की। तो नियुक्ति पत्र आपको तीन प्रकार से प्राप्त होंगे। प्रथम नियुक्ति पत्र, जिससे कि आपको पता चल गया होगा कि आपकी नियुक्ति एज ए पीठासीन अधिकारी मतदान अधिकारी प्रथम द्वितीय तृतीय के रूप में हुई है। दूसरा नियुक्ति पत्र आपको मतदान से 10 से 12 दिन पूर्व प्राप्त होगा, जबकि तीसरा नियुक्ति पत्र आपको उसी दिन प्राप्त होगा जिस दिन की आपको रवानगी होनी है नियुक्ति हेतु, और उस पर आपका निर्वाचन क्षेत्र का नाम, मतदान केंद्र का नाम और संख्या तथा मतदान केंद्र स्थान एवं जांच करने के लिए नियुक्ति आदेश सावधानी पूर्वक पढ़ लें। इस पे आपका वाहन संख्या भी दिया हुआ होगा, मैं आपको एक बात और बता दूं, जिस वाहन से आप रवाना होंगे। उसके बाद आती है सामग्री की बात। तो पीठासीन अधिकारी पुस्तिका में अनुलग्न 3 में दी गई सामग्री को संबंधित काउंटर से प्राप्त करेगा तथा सामग्री का मिलान दी गई सूची से करेंगे। सामग्री कम होने पर तत्काल संबंधित काउंटर से प्राप्त करेंगे। इसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दी जाने वाली सामग्री प्राप्त करते समय पीठासीन अधिकारी निम्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विशेष ध्यान देंगे। ये सामग्री है कंट्रोल यूनिट। यह सुनिश्चित कर लें कि उपलब्ध कराया गया कंट्रोल यूनिट आपके केंद्र से ही संबंधित है। फिर है इसके लिए उपलब्ध कराई गई कंट्रोल यूनिट पर लगे एड्रेस टैग पर अंकित की गई प्रविष्टियां तथा पोलिंग स्टेशन का नाम, क्रमांक आदि मिलान अपने नियुक्ति पत्र पर अंकित पोलिंग स्टेशन का नाम व क्रमांक आदि से कर लें। कंट्रोल यूनिट में पिंक पेपर सील लगी है या नहीं, इस बात का भी आप सही से मिलान कर लें। उसके बाद कंट्रोल यूनिट में लगाई गई बैटरी हाई पावर की है या नहीं, जांच लें। बैटरी हमेशा हाई पावर में हो। कंट्रोल यूनिट का कैंडिडेट सेट भाग सही तरीके से सील किया गया, यह भी जांच लें। कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले बोर्ड में समय का मिलान अवश्य कर लें। कंट्रोल यूनिट की जांच करने के पश्चात कंट्रोल यूनिट को ऑफ कर देंगे। उसके बाद कंट्रोल यूनिट का ये आपको दिया है कि कौन सा पार्ट में क्या क्या कहलाता है, इसे आप ध्यान से देख लेंगे। फिर है बैलेट यूनिट में आपको क्या क्या जांचना है, जांच लें कि पिंक पेपर सील बैलेट यूनिट पर लगाई गई है और एड्रेस टैग मजबूती से लगा है। यह सुनिश्चित कर लें कि उपलब्ध कराया गया बैलेट यूनिट आपके केंद्र से ही संबंधित है। जांच लें कि बैलेट यूनिट में लगाया गया बैलेट पेपर उचित ढंग से पंक्तिबद्ध हो तथा अभ्यर्थी का नाम तथा प्रतीक चिन्ह उसके लैंप तथा बटन की पंक्ति में हो। फिर जांच लें कि यदि एक बैलेट यूनिट का प्रयोग किया जाना है तो थंब व्हील 1 पर सेट हो। यदि कैंडिडेट की संख्या 15 से अधिक होगी, 15 मतलब यह है कि उसमें नोटा भी शामिल होगा, तो दूसरी बैलेट का प्रयोग किया जाएगा, उसका थंब व्हील 2 पर सेट होगा। इसके पश्चात जांच लें कि प्रारूप 7 के में निर्वाचन लड़ने वाले नोटा सहित जितने कैंडिडेट हैं बैलेट यूनिट में उतने ही बटन खुले हैं, शेष ढके हुए होने चाहिए। बैलेट यूनिट का विवरण इस प्रकार है, इसे आप ध्यान से देख लेंगे। फिर वीवीपैट एवं उससे संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश। वीवीपैट पर लगे एड्रेस टैग से जांच लें कि वीवीपैट वही है जो आपके मतदान केंद्र पर उपयोग हेतु तैयार की गई है। फिर पीठासीन अधिकारी मॉक पोल के समय में ही वीवीपैट को प्रयोग में लाएंगे, इसके पहले वीवीपैट किसी भी स्तर पर चेक नहीं किया जाएगा। कंट्रोल यूनिट की पावर ऑन करने पर वीवीपैट का हरे रंग का लैंप जलने लगेगा। वीवीपैट ऑन करते ही 7 पावर ऑन सेल्फ टेस्ट पर्ची पोस्ट स्लिप ड्रॉप बॉक्स में गिरेंगी जो सादी होंगी तथा इनकी गणना मॉक पोल में नहीं की जाएगी। जब कोई मतदाता बैलेट यूनिट का बटन दबाता है तो वीवीपैट की विंडो स्क्रीन में लाइटनिंग दिखाई देगी, जिससे में उसके प्रत्याशी का सीरियल नंबर, नाम एवं चुनाव चिन्ह छपा होगा। 7 सेकंड पश्चात उप पर्ची ड्रॉप बॉक्स में स्वतः गिर जाएगी। इसके पश्चात वीवीपैट के संबंध में अन्य महत्वपूर्ण निर्देश हैं। परिवहन के समय पेपर रोल नॉब लॉक पोजीशन में रहेगी। जब पेपर रोल लॉक पोजीशन क्षैतिज दिशा में है तो वीवीपैट भी बंद अवस्था में रहेगी। वीवीपैट यूनिट प्रयोग करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि पीछे की साइड की काले रंग की नॉब अनलॉक पोजीशन में है एवं इसके लिए पेपर रोल नॉब को लॉक से अनलॉक पोजीशन ऊर्ध्वाधर दिशा की ओर एंटी लॉक वाइज घड़ी की सुइयों के घूमने की दिशा के उल्टी दिशा में
दिशा में घुमाएं। परिवहन के समय सदैव वीवीपैट के परिवहन बक्से पर लगे हुए हैंडल को पकड़कर ही बक्से में उठाएं। क्योंकि वीवीपैट मशीन में ऑप्टिकल सेंसर लगे हुए हैं, अतः किसी भी दशा में सूर्य की सीधी रोशनी अथवा तेज लाइट जैसे फ्लैश लाइट व हैलोजन लाइट आदि सीधे संपर्क में वीवीपैट का प्रयोग न किया जाए। ये वीवीपैट का आपको डायग्राम है, चित्र है, इसे देख लें क्या क्या यहाँ पे क्या होता है। उसके बाद वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल वीवीपैट कंट्रोल यूनिट बैलेट यूनिट तथा वीवीपैट इसे किस क्रम में जोड़ा जाएगा। इसका जो केबल है वो इसमें लगेगा और इसका केबल इसमें लगेगा। आपको पता है कि कंट्रोल यूनिट में कोई भी केबल नहीं होता है। वीवीपैट हेतु क्या करें और क्या न करें, यह सुनिश्चित करें कि परिवहन के समय वीवीपैट का केयरिंग केस हमेशा सीधी अवस्था में रहे। वीवीपैट को पहली बार पोलिंग स्टेशन पर मॉक पोल के समय ही चेक किया जाना है तथा केबल जोड़ने के उपरांत नोक को खड़ी स्थिति में कर लें। बैलेट यूनिट एवं वीवीपैट वोटिंग कंपार्टमेंट में ही रखें तथा कंट्रोल यूनिट को बाहर निर्धारित स्थान पर इस प्रकार रखें जिससे केबल मतदाता की पहुंच से दूर रहे। उसके बाद है तीनों यूनिट के कनेक्टर रंग के अनुसार उसी सॉकेट में लगाएं। मेरा कनेक्टर जोड़ने तथा वीवीपैट की नोक खड़ी स्थिति में करने के उपरांत ही कंट्रोल यूनिट की पावर ऑन करें। इसके पश्चात वीवीपैट वोटर वेरिफिकेबल पेपर ऑडिट ट्रेल के हेतु क्या करें और क्या न करें। वीवीपैट को सीधे एवं तेज लाइट के संपर्क में अर्थात खुली खिड़की के पास कदापि न रखें एवं वोटिंग कंपार्टमेंट के ऊपर हैलोजन लाइट न लगाएं। वीवीपैट को अनलॉक पोजीशन 9 की खड़ी स्थिति में लाने से पहले सीयू को कदापि ऑन न करें। कनेक्टर के क्लिप को बिना दबाए केबल को न निकालें और न लगाएं। किसी भी कनेक्टर को निकालने अथवा लगाने की स्थिति में सीयू की पावर स्विच ऑन न रहें। जब तक 7 पोस्ट पर्ची न निकल जाएं तब तक सीयू को स्विच ऑफ न करें। यदि सीयू में प्रिंटर एरर आता है तो मतदान प्रारंभ न कराएं। मतदान की समाप्ति तक मशीन के पीछे की काले रंग की नोब को न छेड़ें। इसके पश्चात वीवीपैट वोटर वेरिफिकेबल पेपर ऑडिट ट्रेल की नो मतदान समाप्ति पर ऐसी स्थिति में रखी जाएगी। इसे आप देख लें, मतदान समाप्ति पे इस स्थिति में रखनी है, जबकि जब मतदान शुरू होगा तो वो इस स्थिति में रहेगी। फिर सामग्री के महत्वपूर्ण बिंदु। निर्वाचन नामावली। निर्वाचन नामावली के सुसंगत भाग की तीनों प्रतियां पूर्ण रूप से सभी तरफ से समान है और विशेषता कि आपको दिया गया सुसंगत भाग उसी क्षेत्र का है जिसके लिए मतदान स्थल स्थापित किया गया है और यह है कि उसकी प्रत्येक अनुपूरक सूचियां सहित सभी प्रकार से पूर्ण है। वोटर लिस्ट के साथ प्रथम पेज एआरओ के हस्ताक्षर वाला प्रमाण पत्र संलग्न होना चाहिए। नामावली की प्रत्येक वर्किंग प्रति के सभी प्रश्न पांडुलिपि के अनुसार क्रम संख्या 1 के अनुरूप संख्यांकित हैं। मतदाताओं के मुद्रित क्रम संख्या को शुद्ध नहीं किया गया है और उनके स्थान पर नए संख्यांक प्रस्थापित नहीं किए गए हैं। प्रत्येक पृष्ठ पर एआरओ का हस्ताक्षर व सील लगी है। फिर सामग्री के महत्वपूर्ण बिंदु। निर्वाचन नामावली की चिन्हित प्रति वह प्रति जिसका उपयोग वोट देने के हेतु अनुमति प्राप्त निर्वाचकों के नाम चिन्हित करने हेतु किया जाता है में डाक मतपत्र जारी करने जैसे पीवी के अलावा किसी प्रकार का कोई भी रिमार्क अंकित नहीं होगा। निर्वाचन नामावली की सभी प्रतियों के प्रत्येक पृष्ठ की जांच कर लें। आपको दिए गए निविदत्त मतपत्र टेंडर उसी निर्वाचन क्षेत्र के लिए हैं जहां आपका निर्धारित मतदान केंद्र स्थापित है और कि वे किसी भी तरह से त्रुटिपूर्ण तो नहीं है, आपको इसकी भी जांच करनी चाहिए। इसके क्रम में संख्यांक आपको दिए गए ब्यौरे में मेल खाते हैं। आपसे संबंधित बूथ की अब्सेंट शिफ्टेड डेड वोटर एएचडी जिन्हें बोलते हैं की सूची आपको उपलब्ध कराई गई है। सामग्री के महत्वपूर्ण अन्य बिंदु हैं, यह भी जांच कर लें कि उम्मीदवार और उसके निर्वाचन अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर के नमूने की फोटो प्रतियां आपको प्राप्त हो गई हैं। यह मतदान केंद्र पर मतदान अभिकर्ताओं के नियुक्ति पत्र में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी उसके निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षरों की वास्तविकता को सत्यापित करने में आपकी मदद करेगा। अगला पॉइंट है, आपको दी गई 2 शीशियों में प्रत्येक में पर्याप्त मात्रा में अमित स्याही है और स्टाम्प पैड सूखे हुए तो नहीं है एवं एरो क्रॉस मोहर दोनों ओर से ठीक है अथवा नहीं है। रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दी जाने वाली सामग्री की चेक लिस्ट में उल्लेखित अन्य सभी चीजें भी आपको दी गई हैं या नहीं। इसके साथ है सामग्री के महत्वपूर्ण बिंदु। यदि आप किसी भी मतदान मशीन किसी मतदान सामग्री को किसी भी तरह से त्रुटिपूर्ण पाते हैं तो तुरंत मतदान मशीन मतदान सामग्री के वितरण के प्रभारी अधिकारी को अवगत कराएं। पूर्ण प्राप्त सामग्री की भलीभांति जांच करने के उपरांत आप टीम के संपूर्ण सदस्यों के साथ अपने लिए निर्धारित वाहन पर जाकर बैठें ताकि सेक्टर मजिस्ट्रेट वाहन की रवानगी से पूर्व आपसे मिल सकें। ध्यान रखें कि आपको उपलब्ध कराए गए वाहन से ही जाना है। मतदान केंद्र पर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है। मतदान दिवस की पूर्व संध्या पर
अपने मतदान केंद्र का भलीभांति निरीक्षण कर लें। अपने मतदान दल के अन्य सदस्यों को मतदान केंद्र का लेआउट बनाते हुए निम्नलिखित बात अवश्य सुनिश्चित कर लें। मतदाताओं के पृथक पृथक प्रवेश और निकास हैं। यदि एक ही दरवाजा है तो बॉक्स या रस्सी की सहायता से, बांस या रस्सी की सहायता से आने जाने का मार्ग अलग कर दें। मतदाता के प्रवेश करने के लेकर देकर बाहर जाने तक आवागमन आसानी से हो सके। फिर मतदान अभिकर्ता के बैठने का स्थान इस प्रकार से है कि मतदाताओं का प्रवेश करते समय भली भांति देख सकते हैं तथा पीठासीन अधिकारी बनने मतदान कार्मिकों की गतिविधियों और संचालित हो रही संपूर्ण क्रियाएं भी देख सकें। बैठने की व्यवस्था निम्नलिखित प्राथमिकताओं के अनुसार की जाए। सबसे पहले मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों के उम्मीदवार अभिकर्ता, फिर मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दलों के उम्मीदवार अभिकर्ता, फिर अन्य राज्य के मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय उम्मीदवारों के अभिकर्ता, फिर रजिस्टर्ड गैर मान्यता प्राप्त दलों के उम्मीदवार अभिकर्ता, फिर निर्दलीय उम्मीदवारों के उम्मीदवार या उनके अभिकर्ता। इस प्रकार मतदान दिवस की पूर्व संध्या पर क्या करना है, किसी के बैठने की स्थिति में ऐसी नहीं होगी कि मत की गोपनीयता भंग होने की संभावना हो। फिर मतदान केंद्र पर पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था है। मतदान केंद्र व उसके आसपास 100 मीटर तक की परिधि में किसी राजनीतिक दल अथवा उम्मीदवार की सामग्री, बैनर, फोटो, पोस्टर एवं आदि नारे तो नहीं लें, ये तत्काल हटवा दें। ये नक्शा है, आपको ये वहाँ की सेटिंग करने के लिए सहायता प्रदान करेगा। इसके बाद मतदान दिवस की पूर्व संध्या पर एक बार पुनः अपने साथ लाई गई सामग्री ईवीएम आदि को चेक लिस्ट के अनुसार देख लें और किसी प्रकार की कमी पता चलती है तो सेक्टर मजिस्ट्रेट के माध्यम से सामग्री की कमी को पूर्ण कर लें। मध्य स्थल पर रात में विश्राम करते समय सीयू को ऑन नहीं रखेंगे बल्कि ऑफ मोड में रखेंगे। उचित रहेगा कि दल के सभी सदस्य परस्पर अपने अपने दायित्वों की भूमिका और संचालन के बारे में विचार विमर्श कर लें, अपने साथियों से उनके दायित्वों के संबंध में जानकारी कर लें ताकि किसी को कोई शंका हो तो आप समाधान कर सकें। संपूर्ण मतदान सामग्री और ईवीएम रात्रि प्रवास में अपनी अभिरक्षा में रखें। किसी से भी खाना आतिथ्य ग्रहण न करें, केंद्र के बाहर न जाएं और न ही किसी का आतिथ्य स्वीकार करें, ऐसा पाए जाने पर गंभीर दंड दिया जाएगा। इसके बाद मतदान के दिन मतदान प्रारंभ होने के पूर्व की जाने वाली कार्यवाही तथा भरे जाने वाले प्रपत्र। मतदान से पूर्व पीठासीन अधिकारी संबंधित मध्य स्थल पर मतदान केंद्र के बाहर निम्न सूचना चस्पा करेंगे। मतदान केंद्र की सूचना एवं उसमें उपस्थित मतदाताओं का विवरण। फिर प्रारूप 2-7 कैमे निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की सूची। फिर 3 है आयोग द्वारा अनुमन्य किए गए वैकल्पिक पहचान पत्रों की सूची। फिर मतदान प्रारंभ होने के पूर्व की कार्यवाही तथा भरे जाने वाले प्रपत्र। पोलिंग एजेंट की नियुक्ति। पोलिंग एजेंट की नियुक्ति की शर्तें यह है कि एजेंट उस क्षेत्र अर्थात उसी पोलिंग स्टेशन अथवा उसके पड़ोस के पोलिंग स्टेशन का मतदाता और निवासी होना चाहिए। एजेंट के पास वैध मतदाता पहचान पत्र होना चाहिए। उसकी उपस्थिति मतदान अभिकर्ताओं के नियुक्ति पत्रों की जाँच नियमित करें, देख लें कि उसकी नियुक्ति आपके मतदान स्थल के लिए ही की गई है। उनके नियुक्ति पत्रों प्रारूप 10 पर उम्मीदवारों अथवा उनके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उनके हस्ताक्षरों को सत्यापित किया जाया है। इन हस्ताक्षरों का मिलान आपको आरओ द्वारा उपलब्ध कराए गए नमूना हस्ताक्षरों से करना है। उनके दस्तावेज पूर्ण कराकर प्रारूप 10 पर उनके हस्ताक्षर अपनी उपस्थिति में कराएं एवं स्वयं हस्ताक्षर करें। प्रत्येक मतदान अभिकर्ता जिसको मतदान स्थल में प्रवेश का अधिकार है को हो पास बनाकर दें। पोलिंग एजेंट की नियुक्ति। मतदान अभिकर्ताओं के नियुक्ति पत्र लेकर अपने पास सुरक्षित रखें। फिर मतदान अभिकर्ताओं के अपने अपने बैज लगाए रखने के लिए निर्देशित करें। अभिकर्ताओं को मतदान पूर्व की तैयारियों के समय वही उपस्थिति रहने के लिए कहें। मतदान अभिकर्ता नियुक्ति करते समय इसका अवश्य ध्यान रखा जाए कि वह सरकारी सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति न हो, विधायक, सांसद, मंत्री, अध्यक्ष, जिला पंचायत तथा अन्य कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास सुरक्षा हो अथवा पोलिंग एजेंट बनाने के लिए जिसने अपनी सरकारी सुरक्षा वापस कर दिया हो एजेंट नहीं बन सकते। ग्राम प्रधान, वार्ड मेंबर को एजेंट बनाया जा सकता है। ये फॉर्म है प्रारूप 10 एजेंट को बनाने के लिए। यहाँ पे अभ्यर्थी या निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर किए जाएंगे, यहाँ मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर होने हैं और यहाँ पे पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर करेगा और यहाँ पे वहाँ का स्थान और तारीख भरेगा। इसको बारे में और मैं आपको बता दूं भरने के बारे में कि मैं यहाँ पे अभ्यर्थी भरेगा जो भी उस लोकसभा के लिए अभ्यर्थी है और यहाँ पे उसका लोकसभा में कई सांसद हेतु निर्वाचन है, इसमें निर्वाचन अभिकर्ता हूँ एतद द्वारा यहाँ पे उसका नाम व पता आ जाएगा और जो भी जिसे भी वो अभिकर्ता नियुक्त करता है उसका नाम को यहाँ पे भर के और मतदान के नियत स्थान यहाँ पे भर देंगे और इस तरह से आप इस फॉर्म को भरवा लेंगे। यह है आपका मॉक पोल करते समय सर्वप्रथम बीएलएट यूनिट के तार वीपैड के पिछले हिस्से से एवं वीपैड के तार कंट्रोल यूनिट से जोड़ना चाहिए। ये मैं पहले बता चुका हूँ।
इसमें वीपैड के पिछले हिस्से में लगे काले रंग के नॉब को अनलॉक वर्टिकल मोड में करके कंट्रोल यूनिट को ऑन करें और बैलेट यूनिट तथा वीपैड वोटिंग कंपार्टमेंट में सीयू को मतदान अधिकारी तित्ते की टेबल पर रखें। उसके बाद है मॉक पोल का फ्लो चार्ट। इसमें आपको मॉक पोल का कैसे कैसे कार्यवाही करनी है, सबसे पहले ये देख लें, कंट्रोल यूनिट को क्लियर बटन को दबाएं, फिर सभी अभ्यर्थियों के लिए जीरो प्रदर्शित होगा, फिर वीपैड के खाली कंपार्टमेंट को दिखाएं, उसके बाद मतदान पोस्ट कोस्ट के एक मतदान अधिकारी एवं सभी मतदान अभिकर्ता मत देने के लिए उपस्थित रहें, मतदान अभिकर्ता अपनी पसंद का नीला बटन दबाएं और सभी खुले बटन कम से कम एक बार दबाएं जाएं, कम से कम 50 वोट डाले जाने चाहिए, पीओ को डाले गए मतों का लिखित रिकॉर्ड रखना चाहिए। फिर है कंट्रोल यूनिट पर क्लोज दबाएं और उसके बाद रिजल्ट दबाएं, फिर वीपैड ड्रॉप बॉक्स के मॉक पोल पर्चियों को हटा दें, फिर कंट्रोल यूनिट के परिणामों को वीपैड पेपर पर्चियों के साथ मिलान करें, उसके पश्चात कंट्रोल यूनिट का क्लियर दबाएं, फिर रबर स्टैंप से मॉक पोल वीपैड पेपर पर्चियों के पिछले भाग पर मॉक पोल स्लिप का मोहर लगाएं, फिर स्टाम्प लगे सभी पर्चियों को विशेष काले लिफाफे में रखकर मोहरबंद करें, पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अभिकर्ता लिफाफे पर हस्ताक्षर करें। उसके पश्चात है लिफाफे के ऊपर मतदान केंद्र का नाम, क्रमांक ऐसी का नाम लिखकर क्रमांक मतदान की तिथि के साथ मॉक पोल की वीवीपैट पेपर पर्चियां लिखें, इसके पिंक पेपर सील द्वारा मोहरबंद करें, पीठासीन अधिकारी और मतदान अभिकर्ता पिंक पेपर सील पर हस्ताक्षर करें, मॉक पोल प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करें, कंट्रोल यूनिट के परिणाम खंड एवं वीवीपैट ड्रॉप बॉक्स को मोहरबंद करें। ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है मॉक पोल का, इसको अगर आपने सही से कर लिया तो आपका जो है चुनाव की प्रक्रिया बड़े ही आराम से समाप्त हो जाएगी। अब इस पे करना कैसे थोड़ा सा देख लें। मतदान प्रारंभ होने के पूर्व मॉक पोल, तो मतदान प्रारंभ होने के 90 मिनट पूर्व अर्थात 5:30 बजे अनिवार्य रूप से प्रारंभ किया जाएगा। मॉक पोल चुनाव आयोग के निर्देशानुसार कराया जाना 100% आवश्यक है। मॉक पोल के समय कम से कम 2 प्रत्याशियों के एजेंट होने चाहिए, फिर यदि 2 से कम एजेंट हैं तो 15 मिनट प्रतीक्षा की जाए, प्रतीक्षा के पश्चात भी यदि 2 से कम एजेंट रहते हैं तो उस स्थिति में मॉक पोल प्रारंभ कर दिया जाएगा। मॉक पोल प्रारंभ करने से पूर्व सर्वप्रथम क्लियर बटन दबाकर गणना को शून्य कर लें, यदि क्लियर बटन दबाकर इनवैलिड आता है तो पहले CRC करें, इसके बाद टोटल बटन दबाकर दिखाएं कि कंट्रोल यूनिट में पहले से कोई मत नहीं है, यदि कोई मत है तो उसे क्लियर करके टोटल को शून्य करें, तत्पश्चात बैलेट का बटन दबाकर क्रमवार मतदान कराएं। तेरा मॉक पोल दिखावटी मतदान, मॉक पोल में कम से कम 50 मतों को डाला जाना आवश्यक है, नोटा को सम्मिलित करते हुए प्रत्येक प्रत्याशी को कम से कम एक वोट डाला जाना आवश्यक है, 50 मत पड़ जाने के पश्चात क्लोज बटन दबा दें, उसके पश्चात रिजल्ट बटन दबाकर प्रत्याशी वार प्राप्त मतों को मॉक पोल प्रमाण पत्र पर अंकित करें, इसके बाद वीवीपैट ड्रॉप बॉक्स के सभी पर्चियों को निकालते हुए 7 पोस्ट पर्चियों को अलग करके प्रत्याशी वार गणना करते हुए इसके अंकन मॉक पोल प्रमाण पत्र भाग 1 में निर्धारित कॉलम में करेंगे तथा अंकित किए गए मतों से मिलान करेंगे। ये प्रक्रिया ऊपर भी बताई जा चुकी है, क्रमवार अंत में क्लियर बटन दबाकर कंट्रोल यूनिट में पड़े मतों को मिटा दें और मॉक पोल समाप्त करें एवं टोटल बटन दबाकर यह देख लें कि कंट्रोल यूनिट में शून्य मत प्रदर्शित हो रहे हैं, इसके पश्चात मॉक पोल प्रमाण पत्र भाग 1 पर अनिवार्य रूप से अपने एजेंट एवं माइक्रो ऑब्जर्वर यदि आपके बूथ पर लगाए गए हैं तो उनके हस्ताक्षर भी कराएं। फिर पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट, भाग 1 मॉक पोल सर्टिफिकेट, इसे आप भर लेंगे, यहाँ पे आपका निर्वाचन का नाम जो आएगा लोकसभा निर्वाचन, सामान्य लोकसभा निर्वाचन 2024, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम यहाँ जाएगा, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम, मध्य स्थल की संख्या, मॉक पोल संचालन एवं मॉक पोल का डाटा का सत्यापन इस तरह भरना है आपको, इसमें प्रत्याशी का नाम यहाँ पर आएगा, पोल में डाले गए मतों की संख्या, रिजल्ट की जांच करने पर कंट्रोल यूनिट में प्रदर्शित मतों की संख्या, वीपैड मुद्रित पेपर पर्चियों की प्रत्याशी वार संख्या, मॉक पोल के बाद कंट्रोल यूनिट में प्रदर्शित रिजल्ट एवं प्रत्याशी वार प्राप्त गत वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स से निकली प्रत्याशी पर्चियों की संख्या बराबर है या नहीं है, और पार्टी निर्दलीय के संक्षिप्त नाम के साथ पोलिंग एजेंटों के, ये पूरा फॉर्म है, इसे आप भर लेंगे। इसके बाद है ईवीएम खराब होने की दशा में की जाने वाली कार्रवाई, कंट्रोल बैलेट यूनिट कार्य नहीं कर रहा है तो केवल बैलेट यूनिट को बदला जाना है, कंट्रोल यूनिट कार्य नहीं कर रहा है तो केवल कंट्रोल यूनिट को बदला जाना है, वीवीपैट कार्य नहीं कर रहा है तो केवल वीवीपैट को बदला जाना, ये है मॉक पोल के दौरान मशीनों का बदला जाना। नोट, मॉक पोल के दौरान कार्य न करने वाली मशीनों के संबंध में भाग 4 ईवीएम वीवीपैट का रिप्लेसमेंट मॉक पोल के दौरान भरा जाएगा। उसके पश्चात है मॉक पोल के दौरान कार्य न करने वाली मशीनों को सेक्टर मजिस्ट्रेट को दिया जाएगा। फिर है ये पीठासीन अधिकारी की
रिपोर्ट है। ये उस समय है जब मॉकपोल के दौरान यदि कोई रिप्लेसमेंट हो तो तब ये भरी जाएगी। उसके बाद है मॉकपोल पर्चियों का सील किया जाना। तो मॉकपोल की प्रक्रिया में वीपैट का ड्रॉप बॉक्स से सभी पर्चियों को निकालकर ड्रॉप बॉक्स को खाली कर दें। सभी मॉकपोल पर्चियों को पीछे की ओर मॉकपोल स्लिप की मोहर लगा दें। तत्पश्चात सभी मॉकपोल पर्चियों को साथ पोस्ट पर्चियों सहित को दिए गए काले रंग के लिफाफे में रखकर पिंक पेपर सील कर दें तथा सील लिफाफे पर पीठासीन अधिकारी एवं उपस्थित पोलिंग एजेंट अनिवार्य रूप से अपने हस्ताक्षर करेंगे। मॉकपोल पर्चियों को किसी भी दशा में पोलिंग एजेंट को उपलब्ध नहीं कराना है। साथ ही लिफाफे पर लोकसभा क्षेत्र का नाम, नंबर एवं पोलिंग स्टेशन का नाम, नंबर तथा मतदान तिथि का अंकन करेंगे। तत्पश्चात ड्रॉप बॉक्स की विंडो को एड्रेस टैग लगाते हुए सील करेंगे और अपने तथा पोलिंग एजेंट के भी हस्ताक्षर कराएंगे। इसके पश्चात मतदान प्रक्रिया के समय मॉकपोल दिखावटी मतदान। यदि मतदान प्रक्रिया के समय मॉकपोल करना पड़ रहा है तो मतदान प्रक्रिया के समय यदि किसी कारण से बैलेट यूनिट कंट्रोल यूनिट में कोई खराबी आती है तो उस स्थिति में ईवीएम सेट बदला जाएगा तथा जब नया ईवीएम सेट लगाया जाए तो उसे पुनः मॉकपोल किया जाएगा। मशीन बदलने पर मॉकपोल 50 मत नहीं डाले जाएंगे बल्कि जितने प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनके सामने एक एक मत डाला जाएगा। इसके पश्चात क्लोज बटन दबाकर रिजल्ट बटन दबाकर जिससे समस्त एजेंट मॉकपोल को देख सकें तदउपरांत मशीन को क्लियर किया जाएगा। बदली गई मशीन के लिए सभी मॉकपोल प्रमाण पत्र भरा जाएगा और पीठासीन अधिकारी एजेंट माइक्रो ऑब्जर्वर अपने हस्ताक्षर करेंगे। पहले मॉकपोल प्रमाण पत्र में भी मशीन बदले जाने की सूचना समय डालते हुए दर्ज की जाएगी। यह अति आवश्यक है, इस चीज को समझ लें। इस मॉकपोल की पर्चियों को दिए गए दूसरे काले लिफाफे में रखते हुए पूर्व की भांति पिंक पेपर सील से सील करेंगे। कंट्रोल यूनिट की सीलिंग प्रक्रिया। वर्तमान लोकसभा चुनाव में मॉकपोल के पश्चात एवं वास्तविक मतदान से पूर्व कंट्रोल यूनिट की सीलिंग प्रक्रिया में परिवर्तन किया गया है। कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट सेक्शन को सील करने के लिए केवल संशोधित ग्रीन पेपर सील का उपयोग ही पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाएगा, अर्थात स्ट्रिप सील ABCD सील का उपयोग नहीं किया जाएगा। ये ABCD जो है इसका नहीं किया जाएगा। ग्रीन पेपर सील से कंट्रोल यूनिट को सील करना। मॉकपोल समाप्त करने के पश्चात ईवीएम मशीन को सील करने की कार्यवाही से पूर्व कंट्रोल यूनिट को क्लियर एवं ऑफ करके सील किया जाएगा, जिससे सील करते समय किसी बटन को दबाने में मशीन अनावश्यक निर्देश प्रदर्शित न करे। रिजल्ट सेक्शन का इनर डोर बंद एवं सील करना। कंट्रोल यूनिट के इनर डोर के विंडो में दिए गए स्लॉट में संशोधित ग्रीन पेपर सील को फिक्स करने के लिए इनर डोर की विंडो में ग्रीन पेपर सील को इस तरह से डाला जाएगा कि सील के सफेद हिस्से पर हरे रंग का निशान रिजल्ट बटन के ऊपर आ जाए और लाल रंग का निशान प्रिंट बटन के ऊपर आ जाए। ग्रीन पेपर सील डालने के पश्चात रिजल्ट बटन के ऊपर का इनर डोर बंद किया जाएगा। हरे व लाल दोनों निशान इनर दरवाजे को बंद होने के पश्चात इसकी खिड़की से दिखाई पड़ने चाहिए। तत्पश्चात रिजल्ट सेक्शन के इनर डोर को स्पेशल टैग से सील किया जाएगा। स्पेशल टैग को लगाने से पहले टैग के पिछले हिस्से पर पीठासीन अधिकारी स्वयं उपस्थित एजेंट के हस्ताक्षर कराएंगे। स्पेशल टैग के सीरियल नंबर को एजेंट को नोट कराएगा। पीठासीन अधिकारी द्वारा स्पेशल टैग लगाने के बाद यह सुनिश्चित करते हुए ग्रीन पेपर सील को खुले सिरे बंद आउटर दरवाजे के दोनों तरफ बाहर निकालते हुए रिजल्ट सेक्शन के आउटर दरवाजे को बंद कर दिया जाएगा। ये देखिए इस तरह से आपको करना है। इसे ऐसे डालना है कि इसका जो सील का नंबर है ये सबसे ऊपर आ जाए, बस इस चीज का ध्यान रखना है। रिजल्ट सेक्शन के आउटर दरवाजे बंद एवं सील करना। तत्पश्चात आउटर दरवाजे को बंद करके धागे और एड्रेस टैग से सील किया जाएगा। इसके पश्चात पीठासीन अधिकारी द्वारा संशोधित ग्रीन पेपर सील के एक किनारे वाले वैक्स पेपर को हटाया जाएगा और एक किनारे को रिजल्ट सेक्शन के आउटर दरवाजे पर चिपकाया जाएगा। इसके पश्चात पीठासीन अधिकारी द्वारा संशोधित ग्रीन पेपर सील बी किनारे को वैक्स पेपर को हटाया जाएगा और बी के किनारे को संशोधित ग्रीन पेपर सील ए के किनारे के ऊपर इस तरह चिपकाया जाएगा कि सीरियल नंबर मोहर के शीर्ष पर दिखाई दे रहा हो। पीठासीन अधिकारी द्वारा ग्रीन पेपर सील पर हस्ताक्षर किया जाएगा तथा उपस्थित पोलिंग एजेंट के भी हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस तरह से ये सील हो जाएगा। ये स्पेशल टैग है, इन्हें सभी नंबरों को आप नोट कर लेंगे। ये एड्रेस टैग है नीचे। वास्तविक मतदान के दौरान मशीनों को बदला जाएगा तो किस तरह से कंट्रोल यूनिट कार्य नहीं कर रहा है तो पूरा सेट बैलेट यूनिट कंट्रोल यूनिट वीवीपैट बदलें। बैलेट यूनिट कार्य नहीं कर रहा है तो बैलेट यूनिट कंट्रोल यूनिट वीवीपैट बदलें। और पूरा सेट बदले जाने पर भाग 5 भरा जाएगा, नए सेट के साथ मॉकपोल पुनः कराया जाएगा। इस मॉकपोल में प्रत्येक प्रत्याशी का सिर्फ एक एक वोट डलवाया जाएगा। इस मॉकपोल पर्चियों को भी दूसरे काले लिफाफे में रखकर पहले मॉकपोल की तरह ही सील किया जाएगा। वीवीपैट कार्य नहीं कर रहा है तो केवल वीवीपैट बदलें। केवल वीवीपैट बदलने पर मॉकपोल की आवश्यकता नहीं है। कंट्रोल यूनिट को ऑफ करने के पश्चात ही नया वीवीपैट लगाएं। वास्तविक मतदान के दौरान प्रयोग की गई मशीनों को पीठासीन अधिकारी द्वारा ही जमा किया जाएगा। किसी भी दशा में सेक्टर मजिस्ट्रेट को नहीं दिया जाएगा।
मॉक पोल एवं वास्तविक मतदान के समय बदली गई मशीनों के संबंध में भरे गए प्रमाण पत्र के अनुसार भाग चार एवं पांच पीठासीन द्वारा भरकर सेक्टर मजिस्ट्रेट को दिए जाएंगे। इन प्रमाण पत्रों को भरते समय जो एरर दिखाई दे उस समय एरर कोड को उल्लेख किया जाएगा। जैसे 2.6 कटर एरर और बीप की आवाज सुनाई दी और नहीं कंट्रोल यूनिट का बिजली लैंप जला अथवा नहीं, इसका भी उल्लेख एरर कोड से किया जाएगा। मशीन बदलने के बाद मॉकपोल मतदान के समय पीठासीन अधिकारी को भाग दो में घोषणा भी भरनी होगी। वास्तविक मतदान के दौरान यदि किसी कारण से कंट्रोल यूनिट में बैटरी लो प्रदर्शित होने लगे तो डिस्चार्ज हो जाए तो पीठासीन अधिकारी अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना देंगे और सेक्टर मजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति में पीठासीन अधिकारी के निर्धारित फार्म भाग दो भरवाकर एजेंट के सामने कंट्रोल यूनिट बैटरी बदलवाकर पुनः बैटरी सेक्शन सील कराकर मतदान को शुरू कराएंगे। पीठासीन अधिकारी अपनी डायरी में इसका अंकन भी करेंगे। ये पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट है। भाग पाँच ईवीएम वीवीपैट रिप्लेसमेंट के संबंध में है। ये पीठासीन अधिकारी की भाग दो कंट्रोल यूनिट में पावर पैक रिप्लेसमेंट के संबंध में है। गोपनीयता एवं शपथ की घोषणा है। फिर मतदान प्रारंभ करना, निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ घोषणा करना है। ये घोषणाएं हैं, इन्हें आप सभी को भरना है। ये भाग ग्यारह है। मतदान के दौरान मतदान अधिकारियों के कर्तव्य जिनका निर्वहन सत्यनिष्ठा के साथ किया जाना है, पीठासीन अधिकारी के दायित्व हैं। ये प्रथम मतदान अधिकारी के दायित्व हैं। ये मतदान अधिकारी प्रथम को क्या क्या करना है, मतदान के समय मतदान फोटो पहचान पत्र एपिक का विकल्प की लिस्ट है, ये वोटर लिस्ट मार्क कॉपी तो किस तरह से करना है, ये क्रॉस करना है, पुरुष पर महिला पे गोला भी करना है और जो थर्ड जेंडर है उन पे स्टार बनाना है। स्थिति एवं चैलेंज वोट ये सब आप जानते ही हैं, ये अनुलग्नक है चैलेंज बुक वोट के लिए। ये अभ्यक्षेपित मतों की सूची है टेंडर वोट की। स्थिति दो टेंडर वोट निविदत्त मत पत्र। मतदान अधिकारी द्वितीय का एक कार्य है कि विवरण है, स्याही इस तरह से लगानी है। इस बार मतदान अधिकारी द्वितीय का कार्य फॉर्म 17 के मतदाता रजिस्टर को किस तरह से भरना है, ये मतदाता पर्ची का वो है प्रारूप 17 के प्रारंभ में अंत में दिया जाने वाला प्रमाण पत्र। प्रोक्सी वोट क्या होता है, मतदान अधिकारी तृतीय मतदान केंद्र में प्रवेश हेतु निम्न व्यक्ति अधिकृत हैं, किसी निर्वाचन की आयु के संबंध में आपत्ति के विवरण। उपाबंद 11 है, अध्याय 15 पैरा उन मतदाताओं की सूची जिन्होंने आयु के संबंध में घोषणा करने से इनकार कर दिया है। अंधे और शिथिलांग निर्वाचकों के संबंध में प्रावधान, इनकी घोषणा विजिट सीट AID मतदाता अनुपस्थित शिफ्टेड एवं मृतक ऐसे वोटरों का वोट नहीं डलवाया जाता है। विशेष निर्देश मतदान समाप्ति के बाद EVM सील करने के पूर्व कंट्रोल यूनिट में लगे क्लोज बटन को दबाना न भूलें क्योंकि ऐसी मशीन में हुए मतदान की गणना नहीं हो सकेगी और इसके लिए दोषी पीठासीन अधिकारी के विरुद्ध अत्यंत कड़ी कार्यवाही होगी। इस बात का ध्यान रखें मतदान समाप्ति के समय की जाने वाली कार्यवाही। मतदान समाप्ति 6 बजे के कुल समय पहले लगभग 15 मिनट पीठासीन अधिकारी पोलिंग स्टेशन की सीमा के अंदर जो व्यक्ति मतदान करना चाहते हैं उनसे लाइन में लगने को कहेगा। मतदान समाप्ति के निर्धारित समय पर जितने लोग लाइन में लगे हुए हैं उनको पीछे से टोकन वितरित करेंगे। मतदान समाप्ति के पश्चात प्रारूप भाग 3 पर मतदान समाप्ति की घोषणा आपके द्वारा की जाएगी और पीठासीन की डायरी में मतदान समाप्ति के वास्तविक समय का उल्लेख भी किया जाएगा। नोट, मतदान समाप्ति के पश्चात मशीन का क्लोज बटन दबाना अत्यधिक आवश्यक है, इसे न भूलें क्योंकि यदि क्लोज बटन नहीं दबाया तो मतगणना के समय ऐसी मशीनों की गणना नहीं हो सकेगी। पीठासीन अधिकारी की ये रिपोर्ट है। भाग 3 मतदान समाप्ति के पश्चात मशीन को सीलबंद करने की ये कार्यवाही है, इसे आप ध्यान से देख लें। मतपत्र लेखा 17 गया इस कैसे भरना है इसकी विस्तृत वीडियो मैंने एक दूसरी बनाई है, मेरे चैनल पर ही आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा मैं एक अन्य वीडियो भी आपको इसे भरने की प्रस्तुत करूँगा। पीठासीन अधिकारी की डायरी किस तरह से आपको भरनी है ये महत्वपूर्ण है। निर्वाचन सामग्री जमा किए जाने की व्यवस्था, फिर है प्रथम लिफाफा सफ़ेद रंग जिसमें ये आएंगे मतपत्र लेखा 17C लिफाफा बिना मुहर बंद। पीठासीन अधिकारी प्रतिवेदन भाग 1 मॉकपोल प्रमाण पत्र भाग 2 एवं भाग 3 बिना मुहर बंद। मॉकपोल से संबंधित मुद्रित वीवीपैट स्लिप का काले रंग का लिफाफा ये आपको खुले में देने हैं।
मेरा दूसरा संविदा लिफाफा मोहरबंद सफ़ेद रंग का। पीठासीन अधिकारी की डायरी बिना मोहरबंद, मतदाता रजिस्टर 17 मोहरबंद लिफाफे में, विजिट सीट बिना मोहरबंद लिफाफे में, प्रारूप ए में, दृष्टिहीन एवं असक्त निर्वाचकों की सूची एवं सहयोगी घोषणा भी है बिना मोहरबंद लिफाफे में। तृतीय सावधिक लिफाफा मोहरबंद सावधिक आवरण सफ़ेद रंग में, निर्वाचन नामावली की चिन्हित प्रति एवं सी एस वी वोटर की सूची, मतदाता पर्ची अप्रयुक्त निविदत्त मतपत्र, प्रयुक्त निविदत्त मतपत्र प्रारूप 17 के सहित प्रारूप 14 में चैलेंज मतों की सूची। चतुर्थ लिफाफा 11 असावधिक आवरण पीले रंग में, इसमें आपको अन्य चिन्हित प्रति से भिन्न अन्य नए निर्वाचन नामावली बिना मोहरबंद लिफाफों में, प्रारूप 10 में मतदान अधिकारकर्ताओं के नियुक्ति पत्र एवं उनका लेखा बिना मोहरबंद लिफाफे में, प्रारूप 12-6 में निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र बिना मोहरबंद लिफाफे में, पीठासीन अधिकारी की घोषणाएं बिना मोहरबंद लिफाफा, चैलेंज मतों से संबंधित में प्राप्त रसीदे एवं नकद धनराशि यदि कोई हो तो बिना मोहरबंद लिफाफे में, अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त पेपर सील, अप्रयुक्त मतदाता स्लिप बिना मोहरबंद लिफाफे में, मतदाताओं की आयु से संबंधित घोषणा, परीक्षण मत के तहत निर्वाचन द्वारा घोषणा पत्र, AISD मतदाताओं की सूची में शामिल निर्वाचनों की घोषणा युक्त लिफाफा और पुलिस थाना प्रभारी की शिकायती पत्र। पंचम लिफाफा भूरे रंग में, पीठासीन अधिकारी की पुस्तिका, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एवं वीवीपैट की निर्देशिका, अमिट स्याही सेट, स्टैम्प पैड, ये तो ऐसे ही आपको कट्टे में भर के देना होता है, कोई लिफाफे में नहीं जाता है। इसके बारे में आपको मैं बता दूँ, छठा लिफाफा नीले रंग के लिफाफे में अन्य अवशेष सामग्रियाँ जैसे प्रारूप साथ एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची, ये सामग्री भी आपसे ऐसे ही ले ली जाती है, इसे कोई लिफाफे की आवश्यकता नहीं पड़ती है। महत्वपूर्ण तथ्य, इसे आप एक बार फिर से ध्यान से देख लें, पीठासीन अधिकारी द्वारा की जाने वाली मुख्य से त्रुटियाँ हैं, इन्हें आप ध्यान से देख लें। पीठासीन अधिकारी द्वारा भरे जाने महत्वपूर्ण भाग हैं, इन्हें भी आप ध्यान से देख लें। ये एरर हैं। निर्वाचन अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली बूथ से संबंधित अन्य सामग्री, EVM तथा VPAT प्रयोग में लाई जाने वाली सामग्री की सूची है और कितनी संख्या में होगी, इसे भी आप देख लें। ये आपको मिलेगी भी वहाँ पे, VPAT से संबंधित दी जाने वाली अतिरिक्त सामग्री की सूची। तो इस तरह से ये आपका प्रशिक्षण समाप्त होगा। इसके अलावा मैं आपको अन्य वीडियो भी इनकी अलग अलग उपलब्ध कराऊंगा, जैसे कि मेरे चैनल पर भी उपलब्ध है पहले से, और वर्तमान जो परिवर्तन हुए उनके आधार पर भी, मतपत्र लेखा कैसे भरें, मॉक पोल कैसे कराएं, और साथ ही निर्वाचन एजेंट जो होते हैं उनका फॉर्म कैसे भरना है, उनकी घोषणाएं कैसे भरनी है, उन सभी की वीडियो मैं अलग से आपको उपलब्ध कराऊंगा। तो हमारे साथ बने रहें, आप सभी का हमारे साथ अभी तक बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।